स्टूडेंट्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम ये जो करंट इश्यू चल रहा है IL&FS का, जो ये क्राइसिस से जा रहे हैं हम, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो क्या है ये एग्जैक्टली इशू? तो IL&FS ये जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो कंपनी है ये मेजरली लॉन्ग टर्म लेंडिंग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड्स है, टनल्स है, ब्रिजेस है, आपकी मेट्रोज है, इसके लिए वो फंडिंग करते हैं। तो नॉर्मली ये जो फंडिंग करते हैं ना, ये 30 साल वगैरह ऐसे फंडिंग चलती है। बट ये जो कैपिटल रेज करते हैं ना ऐसी फंडिंग करने के लिए, मतलब कैसे होता है, ये कंपनी एक जगह से लोन लेगी और दूसरी जगह पे लोन दे देगी, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंस होता है वो मेजरली उनका इनकम होता है इसमें, या फिर उसमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह, वो अलग अलग टर्म्स पे वो जाके काम कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, लास्ट ये जो 2-3 सालों में जो देख रहे हैं, ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2016-17 तक प्रॉफिटेबल थी, काफी मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट कर रही थी। बट लास्ट ईयर 1800 करोड़ रुपए का लॉस किया है ये कंपनी ने। और ये लॉस जब हुआ है, इसके बाद बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हुई है। कैसे होता है, जैसे हमेशा अगर आप 30 साल के लिए फंडिंग कर रहे हो और आप शॉर्ट टर्म में हमेशा डेट रेज करोगे और वो फंडिंग करते के लिए प्रोवाइड करोगे, तो ये काफ़ी मुश्किल जा सकता है ऐसे टाइम्स में। तो पर्टिकुलरली अभी जो क्राइसिस हुआ है IL&FS में, वो लिक्विडिटी क्राइसिस है, वो सॉल्वेंसी क्राइसिस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास एसेट्स ही नहीं है। 91,000 करोड़ के टोटल अगर लाइबिलिटीज है IL&FS के, उसमें से 13,000 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है एंड बचे हुए 77,500 करोड़ ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। बट उसके जो टोटल एसेट्स है वो 1,15,000 करोड़ रुपए के एसेट्स है। तो लोगों को क्या लग रहा है, पीपल आर कंपेयरिंग IL&FS क्राइसिस विद लेमन क्राइसिस। लेमन में बहुत सारे जो एसेट्स बनाए थे उन्होंने, वो ऐसे हम ये बोल सकते हैं खाबों में एसेट्स थे। मतलब उन्होंने एक दूसरे को अटका अटका के ऐसे एसेट्स किए थे, तो रियल एसेट्स कहीं दिख नहीं रहे थे। मतलब उन्होंने डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स बनाए, फिर उसके आगे फंडिंग उठाई, फिर उसको आगे ये दिखा के और ऐसे लिंक बनाते गए वो प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉपर एसेट्स है, पीछे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी जैसे आप देख सकते हो, कल जो उनकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो प्लान बनाया तो उसमें राइट्स इश्यू वगैरह लाने की बातें कर रहे हैं वो, तो जिसमें SBI LIC ये लोग जाके इन्वॉल्व हो सकते हैं और राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। LIC इसका 25% के साथ मेजर शेयर होल्डर है। उसके बाद ऑरिक्स ग्रुप है जो जापान का है, वो 23% ओनरशिप रखता है ये फर्म में। उसके बाद आपका अबूधाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो 12% से ओन कर रही है, 12.5% इनकी IL&FS की जो ट्रस्ट है, जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, उनका 12% का स्टेक है। HDFC 8-9% का स्टेक रखता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7-8% का स्टेक रखता है। SBI 7-8% का स्टेक रखता है ये कंपनी में। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बैकिंग नहीं है और कंपनी ऐसे ही वर्चुअल कंपनी फॉर्म हुई है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये फ्रॉड वगैरह नहीं लग रहा है, ये लिक्विडिटी क्रंच सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसमें कैसा होता है, अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेते हो हाथ में, तो उसमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिलेड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन वो बोलते हैं कि मैं 12 महीने में, 18 महीने में, 2 साल में करूंगा, तो वो 3-4 साल हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स इन बिटवीन प्ले कर सकते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग कंपनी में अगर आप हमें पूछोगे, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली अभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, बट सॉल्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये जैसे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि भाई अभी अगर IL&FS को पैसा रेज करना है, तो उनकी स्ट्रेट अवे AAA रेटेड से अगर उनकी रैंकिंग जो है वो डिफॉल्ट रैंकिंग पे लेके गए इसे, तो वो अभी मार्च 2019 तक तो कमर्शियल पेपर्स के हिसाब से फंड भी रेज नहीं कर पा रहे। सो मतलब वहां पे तो ब्लॉक हो गया उनका पैसा शॉर्ट टर्म में फंडिंग रेज करना। तो अभी थोड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लगेगा IL&FS को, जैसे LIC सपोर्ट दे सकता है, या फिर वो जापान से ऑरिक्स ग्रुप आके उनको सपोर्ट दे सकता है, या फिर आपका SBI थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है। तो ये सारी चीजों में, क्योंकि कैसा है, कोई नहीं चाहेगा कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट लंबा चले। अभी ये जो आप देख रहे हो, तो जैसे ही ऐसे कोई इवेंट हो जाते हैं इकोनॉमी में कि डिफॉल्ट रेटिंग दे दी इन्होंने, कि इंटरेस्ट पे आउट नहीं किया इन्होंने, डिफॉल्ट किया है इन्होंने, तो इसका इंपैक्ट दूसरी कंपनियों को भी होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो अभी कि क्यों ये NBFCs गिरे, ये NBFCs गिरे इसीलिए है क्योंकि इनका कैसे होता था, क्या करते थे, ये शॉर्ट टर्म से पैसा उठाते थे और लॉन्ग टर्म लोन देते थे। अभी जैसे DHFL, अगर DHFL का क्या हुआ है, स्टॉक क्यों गिरा है,
भाई इनका बिजनेस मॉडल क्या है, मेजरली हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, तो मतलब 15-20 साल एटलीस्ट वो फंडिंग होती है उनकी, घर मतलब घर लेने, किसी को घर लेना है अगर, तो ये जो फंडिंग कर रहे हैं अभी 15-20 साल का फंडिंग कर रहे हैं, बट कैपिटल जब रेज कर रहे हैं तो 1 साल 3 साल 5 साल मैक्सिमम 10 साल के पेपर्स उठा पा रही है, तो इससे ज्यादा तो उठा भी नहीं पा रहे वो पैसा, तो ये हमेशा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है हमेशा, कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, बट प्रॉब्लम है सारा लिक्विडिटी का। सो मतलब इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर जाएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर जाएंगे तो स्ट्रेट अवे नेट प्रॉफिट गिरने वाला है इनका, नेट प्रॉफिट गिरेगा तो इमीडिएट अर्निंग्स मतलब अर्निंग पर शेयर नीचे आने वाला है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो एडजस्ट होगा इसका। सो मार्केट हमेशा ना प्रोजेक्ट करता है कि आगे क्या होगा और उसके हिसाब से वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। सो थोड़ा टफ पीरियड रहेगा अभी नेक्स्ट 6-9 महीने में, बहुत सारे इवेंट्स भी, जैसे हमने लास्ट लाइव सेशन में भी बोला था आपको कि बहुत सारे इवेंट्स प्ले होने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे हो सकता है। अभी ये वीक में आरबीआई का रेट हाइक भी एक्सपेक्टेड है, सारा जो कंसेंसस बन रहा है वो 25 बेसिस बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो सकता है, बट वी विल नॉट बी सरप्राइज कि आरबीआई जाके 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि भाई जब यूएस डेवलप मार्केट अगर रेट हाइक कर रहा है तो हमें हमारे पास मतलब रेट हाइक क्या होता है वो एम्यूनिशन होता है, एम्यूनिशन टू द सेंट्रल मतलब जो फेडरल बैंक होता है मेन बैंक होता है आरबीआई जैसा अपना है, यूएस का फेडरल रिजर्व है, तो जब भी निगेटिव टाइम्स आते हैं ना तो बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स घटाना ये उनके पास एक एम्यूनिशन होता है कि इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये एम्यूनिशन क्रिएट कर रहे हैं खुद के पास, हमेशा ऐसा ही होता है। सो ये इसीलिए हम बोलते हैं ये जो इंटरेस्ट रेट्स की होती है ना ये हमेशा साइकल्स प्ले होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट ना ऐसे साइकल्स में प्ले करते हैं, ये साइकल्स हमेशा ऐसे चलती रहती है। तो मतलब अभी हम थोड़ा सा अपवर्ड साइकिल में है, तो कभी भी आरबीआई ने अगर रेट हाइक की तो वो एक रेट हाइक के साथ कभी नहीं रुकता, इसलिए आप हमेशा समझिए। अभी मार्केट में भी आप देख रहे हो 10 ईयर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पेपर था बॉन्ड है जो अपना जो 6.5% पे ट्रेड कर रहा था, 6.5% वो आज 8.03% पे ट्रेड कर रहा था, तो इसका मतलब आरबीआई ने तो अभी तक सिर्फ एक रेट हाइक किया, तो ये 6.5% से 8% पे कैसे जा सकता है, इसका मतलब मार्केट पहले ही फैक्टर इन कर लेता है ये सब चीजें, एक रेट हाइक के साथ कभी रुकने देने वाला है आरबीआई, तो 1-2-3 ऐसे होते हैं, तो मार्केट ने फ्रेंकली स्पीकिंग 4-5 रेट हाइक्स ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली है, तो मार्केट विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इसमें ऐसी कोई चीज होती है तो रेट हाइक वगैरह करते हैं तो, और ऑब्वियसली इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकता है मार्केट्स पे, बट अभी जिस तरीके से लग रहा है जैसे 10% मार्केट अगर डाउन है लास्ट पर्टिकुलर मंथ में सितंबर में ये वाला महीने में अगर 10% डाउन होता है मार्केट तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें फैक्टरिंग होना शुरू हो चुका है। तो आप ये टाइम पे तो फ्रेंकली स्पीकिंग मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहिए अपने, अगर आपके एसआईपी चल रहे हैं तो चलने दीजिए, आपके एसटीपी चल रहे हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ये चलने दीजिए, आपको अगर लमसम डालना है तो आप स्प्रेड करके डालिए उसको 6-9 महीने में, जैसे हम लास्ट टाइम भी बोला था कि बहुत सारे इवेंट्स प्ले हो रहे हैं तो इसीलिए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग बेसिक्स में जाके अगर हम बात करते हैं तो IL&FS से डेफिनेटली लिक्विडिटी क्रंच सामने आया है, एक्सपोज हुए हम चीजों के लिए, बट जितना अगर हम किसी को इस पे ब्लेम करना चाहते हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमने रेटिंग एजेंसीज को भी क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। आप एक रात में ट्रिपल ए रेटेड पेपर को अगर डिफॉल्ट कर देते हो तो डेफिनेटली एवरीबॉडी विल बी एक्सपोज्ड। और अभी क्या हो रहा है मार्केट में, लोगों को क्या लग रहा है, अगर ट्रिपल ए रेटेड कोई पेपर है तो सही में वो ट्रिपल ए रेटेड है या नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Who knows कि यार कल जाके इकरा आ जाता है, क्रिसिल आ जाता है और उसको सीधे ट्रिपल ए से डिफॉल्ट कर देगा। अरे ये क्या बात हुई, रेटिंग एजेंसीज का काम होता है पहले ये सब चीजें फाइंड आउट करना, नॉट कि रिएक्टिव होना, प्रोएक्टिवनेस ये रेटिंग एजेंसीज का सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए रादर देन रिएक्टिवनेस। यार ये तो हमें भी पता है भाई, उसने पैसे नहीं दिए तो डिफॉल्ट तो हो ही गया, तो उसको कैटेगरी देना ये कौन सी बड़ी बात है। आपने पहले ये सब चीजें करनी चाहिए, ट्रिपल ए से डबल ए हो गया, डबल ए से ए हो गया, ए से बी हो गया, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं सीधे आपने नौ नॉचेस निकाल दिया उसको और डिफॉल्ट ग्रेड पे डाल दिया। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये रिएक्टिव एक्शंस इनसे नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए हमने इकरा क्रिसिल से, जैसे कि लास्ट टाइम भी 2008 का जो मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ फ्रेंकली, आगे डिस्क्लोजर वी आर नॉट कंपेयरिंग लेमन विद IL&FS, दोनों कम्प्लीटली अलग अलग चीजें हैं, बट यहाँ वहां पे भी वही हुआ था। लेमन को क्या हुआ था, लेमन को मतलब डिफॉल्ट या फिर जो भी बैंकरप्ट होने से पहले 1-2 महीने पहले उन्होंने ट्रिपल ए रेटेड दिया था, वो भी S&P ने, ये जो क्रिसिल का पेरेंट कंपनी है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो ये फ्रेंकली स्पीकिंग इसीलिए इन पे कितना ज्यादा भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं यही समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीजों से,
बट फिर भी ऐसे रिएक्टिव जो एक्शंस ले रहे हैं रेटिंग एजेंसीज, आप ज्यादा इन पे मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट खुद को अपने आप फैक्टर इन कर रहा है ये सब चीजें। थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है एनबीएफसी को जो ये रेज करने के लिए, कैपिटल वगैरह रेज करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में जहां जहां अगेन बोल रहा हूँ आपको, जहां जहां लोग शॉर्ट टर्म पेपर लोन उठा के लॉन्ग टर्म का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे DHFL बोलिए या फिर HDFC बोलिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हम ये नहीं बोले कि होगा ही, बट हो सकता है। बट जहां तक देखा जाए तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, उनके जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो ऑलरेडी 6 महीने 9 महीने 12 महीने ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और पेपर पे वैसे उठाते हैं, तो ये बिजनेस मॉडल को जहां तक लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बट सीधे सीधे अगर आपको इसमें से जिस्ट निकालना है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहां पे शॉर्ट टर्म पैसा उठा के लॉन्ग टर्म के लिए डेट लोन दे रहे हो आप, तो वो बिजनेसेस में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो क्राइसिस हुआ इसका जिस्ट है। सेम हैपेंड विद IL&FS, सेम इज हैपनिंग विद DHFL, या फिर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐसे लिंक्ड है कि जहां पे शॉर्ट टर्म लोन उठा के लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हो वो बिजनेसेस में शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन निगेटिव भी चले जाए फॉर सम टाइम, जैसे टिपिकली अभी शॉर्ट टर्म पेपर उठाने के लिए यील्ड्स बढ़ रहे हैं, जो पैसा वो 8-9% से उठा रहे थे वो हो सकता है उनको 10-11% से उठाना पड़ेगा। अभी लिक्विडिटी, नोबडी इज बिलीविंग इन इन्वेस्टिंग, एवरीबडी इज सेइंग भाई मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में जाके बैठ जाता हूँ, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे रिएक्टिव एक्शंस होंगे और दैट्स व्हाई दीज आर मार्केट्स, ये साइकिल्स हमेशा प्ले आउट होती है। तो आपने फ्रेंकली स्पीकिंग इक्विटी इन्वेस्टर्स का अगेन रिस्क प्रोफाइल अगर आपको समझना है तो ये बेस्ट टाइम से आपका रिस्क प्रोफाइल समझने के लिए कि हाउ यू आर बिहेविंग विद द वोलेटिलिटी, ये वोलेटिलिटी को कैसे रिएक्ट कर रहे हो आप, यहाँ से आपका रिस्क प्रोफाइल समझेगा। अगर आपको सही में लग रहा है दिल से नहीं यार मुझे और ज्यादा पैसा डालना चाहिए अभी ये मार्केट में, मीन्स यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, और अभी आपको लग रहा है यार मैं निकाल लेता हूँ छोड़ो यार थोड़ा भी आ जाएगा ऊपर मैं निकाल लेता हूँ, तो देन यू आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। सो ये रिएक्टिव मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए। यहाँ पे एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए। अगर आपके 10-10% से इक्विटी पोर्टफोलियोज नीचे गए हैं तो आपका एसेट एलोकेशन में अगर आपको 40% का इक्विटी एलोकेशन था वो अभी 35% पे जा चुका है, तो दिस इज द टाइम टू इंक्रीज योर इक्विटी एलोकेशन टू अगेन बैक टू 40%। ये सब चीजें फॉलो कीजिए। तो IL&FS क्राइसिस अगेन, ये जहां तक लग रहा है जिस तरीके से चीजें हो रही है, आई थिंक इट विल बी अराउंड 6-9 months लगेगी ये सारा सेटल होने के लिए। गवर्नमेंट भी दे आर प्लेइंग देयर कार्ड्स वेरी वेल वेरी प्रॉपरली। तो अभी जैसे LIC वगैरह ने कल के जो हुआ है, IL&FS के नए चेयरमैन है उन्होंने भी बोला है 65,000 तो हम प्रोजेक्ट्स को डाइवेस्ट वगैरह करके हम रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स तो है उनके पास, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। 256 सब्सिडरी कंपनीज है IL&FS की टोटल, 256। तो ऐसा नहीं है कि सारी लॉस मेकिंग कंपनीज है उनके, तो उनका हाइएस्ट लॉस मेकिंग कंपनी जो है 300-350 करोड़ का लॉस दे रहा है वो कंपनी। तो ओवर द पीरियड आई थिंक उनके पास प्रॉफिटेबल भी एसेट्स है, तो वो डाइवेस्ट करके चीजें रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। पैनिक मत हुई है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन चल रहा है अभी, आई थिंक दिस इज अ टाइम टू फॉलो योर एसेट एलोकेशन, स्टिक टू योर बेसिक्स, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए आपके इन्वेस्टमेंट्स का, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म में पैसा इक्विटी में बिल्कुल मत डालिए थोड़ा सा, बट पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ये काफी सही टाइम हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। फॉलो योर एसेट एलोकेशन, और बाकी कोई क्वेश्चंस होंगे ये वीडियोस पे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे अलग अलग वीडियोस के एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, आपको आपके फीडबैक लेते रहेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। अंटिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।